डॉक्टर साहब, जो नए रचनाकार मंचों पर आना चाहते हैं, कवि बनना चाहते हैं या बन गए हैं, लेकिन उनको अभी खुद को और तराशने की, निखारने की, कुछ और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या सीख देंगे ऐसे लोगों को? मैं एक बात हमेशा कहा करता हूँ, वो जिंदगी से जुड़ी हुई भी और प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई। माना ये जमाना बहुत तेजी का जमाना, बड़ा रफ्तार का जमाना है, तेजी का जमाना, बहुत तेज रफ्तार वाला जमाना है। आदमी इधर स्विच ऑन करता है, उधर बिजली जल जाती है। ऐसा जमाना कि एक तुरंत रोशनी हो जाए एकदम। तो वो जो है, इसमें जो मैंने ये देखा कि कला के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। कला का कोई शॉर्टकट नहीं है सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। बिस्मिल्लाह खां को एक दिन में बिस्मिल्लाह खां नहीं बने, जी रविशंकर जी जी एक दिन में रविशंकर नहीं बने। जो कलाकार है उसको इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। जिसमें धैर्य नहीं है वो कलाकार सही ढंग का कलाकार नहीं बन पाता। अमीर होना चाहता है आदमी तो एक दिन के अंदर अमीर हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, कि रंगदारी में हो जाएगा ना, हो जाएगा, बहुत फास्ट है जी मामला। जी कला का मामला फास्ट नहीं है। कला तो चित्रकला हो, चित्रकला हो, वास्तुकला हो, जितनी हमारी ललित कलाएं हैं सारी की सारी, मूर्ति कला हो, इसमें बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। हुआ ये है कि आज के समय में जो हमारी नई पीढ़ी है वो धैर्य खो चुकी है। वो बहुत जल्दी चाहती है कि कितने दिन पिक्चरों में गाने आने लगे, एक दिन के अंदर ही वो मंच पर आ जाए। ये जो उसकी कामना है ना, थोड़ा सा उसके लिए विराम दे, थोड़ा अर्धविराम दे, थोड़ा सोचे कि हम उस अभी इस योग्य हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। या जी तो जी हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, गुरुवर हैं, पुस्तकें हैं, इनके अध्ययन के माध्यम से जिस विधा में भी काम कर रहे हैं, मान लो गजल में कर रहे हैं तो गजल के अध्ययन करें पूरी तरह से। गजल विधा के बारे में जाने, क्या काफी होता है, क्या रदीफ होता है, क्या उसकी बहर होती है, क्या होता है, सबके बारे में जानकारी प्राप्त करें, अपने बड़ों से प्राप्त करें, गुरु बनाए किसी को, वहां वहां जाकर उनसे उनसे प्राप्त करें, पुस्तकों से प्राप्त करें, जी अध्ययन करें, बढ़िया से बढ़िया साहित्य पढ़े जिसके माध्यम से उन पर संस्कार उस अच्छे साहित्य के पढ़े। लेकिन वो नहीं कर पाया था। वो क्या है, इधर जो है, जब से ये हमारे मोबाइल आए हैं और जब से ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है वगैरह वगैरह, तो इसका एक अच्छा काम भी हुआ कि पहले लोगों को मंच नहीं मिलता था, आज बड़ी सरलता जी से मंच मिल रहे हैं। एक दिन के अंदर मंच पर वो आ जाएगा, एक क्षण में आ जाएगा, फौरन अपनी कविता को लेकर के फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगले दिन ही वो तुरंत क्या है कि वो अभी उसे पता भी नहीं कि क्या है क्या नहीं है, छंद विधान क्या होता है, भाषा का संस्कार क्या होता है, लेकिन वो एक दिन के दूसरा व्यक्ति उसे लाइक करता करते करते 4-5 दिन में उनका ग्रुप बन जाता है, और एक दूसरे को सम्मानित भी करने लग जाते हैं, एक दूसरे को सम्मानित भी करने लग जाते हैं। इतनी जल्दी 8 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तुम बहुत बढ़िया, तुम बहुत बड़े बड़े कवि हो। तो उन्होंने तो बड़े बड़े जो इनाम मिलता है उसके लिए थोड़ी इंतजार करना चाहिए, है ना। वो स्कूलों के इनाम अलग होते हैं, ये कलाकार के वाले इनाम अलग होते हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत आदमी के लिए थोड़ा इंतजार करे और कोशिश करे कि हम जो हैं जिस विधा में हैं, दोहा है तो दोहा के बारे में, गजल है तो गजल के बारे में, गीत है तो गीत के बारे में, हाइकू तो हाइकू के बारे में, यानी कोई भी जो विधा आपने चुनी है उस विधा में आपके बाहरी जो संरचना है उसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना, जो व्यक्तित्व होता है वो कला के अंदर आता है। दोहा का अर्थ बहुत सारे हैं, जी तो शिल्प भी जान लिया, लेकिन जो वो उसमें जो बात कहेगा वो तो कवि है ना उसके अंदर। जब हमारे कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद खड़े काके लगु पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, तो और तरह के इन्होंने दोहे कहे, जी शब्द कहे, तंत्र भाई आई ज्ञान की आंधी है, धर्म की डाटी सबे उड़ाने माया रहे ना बांधी, जब तमाम तरह की बातें कही, तो जो उनका संस्कार, जो उनका व्यक्तित्व था, क्योंकि कवि का व्यक्तित्व तो कविता में झलकता है, जो भाव रूप में होता है। बाहर तो आपने कला पक्ष ले लिया आपने, जो ठीक है, बहुत अच्छा आपने दोहे लिख लिए, दोहे का ज्ञान भी कर लिया, गजल का ज्ञान भी कर लिया, बहुत अच्छी गजलों का फ्रेम वर्क आपने जान लिया, लेकिन वो गालिब कैसे हो गए? गालिब तो तभी गालिब जो उनका व्यक्तित्व सामने आया, जो उनकी सोच सामने आई, जो उनकी हृदय सामने आया। तो कोई भी कवि वो जो कला पक्ष है उस कला पक्ष के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, करने की कोशिश करनी चाहिए। और भाव पक्ष आपका बहुत प्रबल है और कला पक्ष बिल्कुल कमजोर है तो वो बेकार हो जाती है बात। और कला पक्ष आपका बहुत प्रबल है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भाव उसमें है नहीं तो बेकार हो जाते हैं। तो दोनों का समन्वय प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। गुलाब के पौधे पर गुलाब के फूल आते हैं, चमेली के नहीं आते। चमेली के पौधे पर चमेली के फूल आते हैं, गुलाब के नहीं आते।
ऐसे जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है, जिसका मूल व्यक्तित्व तो होता है व्यक्ति का, वही बात उसी कविता में आती है। ये शब्द नहीं होते, ये फूल हैं, ये शब्द जो है फूल हुआ करते हैं, जो जो कवि लिखता है उनके अंदर खुशबू तो उसके व्यक्तित्व की होती है। जो उसका व्यक्तित्व तो है, अगर प्रेम करने वाला है तो प्रेम की बात ही करेगा उसके अंदर, वो नफरत की बात नहीं सही कर सकता। जो नफरत करने वाला कहीं ना कहीं नफरत ले आ रहा है, तो इसलिए नफरत भी चाहिए तो कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, किन से नफरत चाहिए किन से नहीं चाहिए। लेकिन जो दुनिया सारे संसार को प्रेम करना जानता हो वो नफरत क्यों लाएगा? वो किसी चाहत रहती है कि सारी दुनिया प्रेम करे। ये बात अलग रही कि दुनिया में कितने लोग बड़े बड़े महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी और ये और तमाम कवियों ने प्रेम की बात करी, अहिंसा की बात की, तो क्या सब लोग अहिंसक हो गए? नहीं हुए ना। लेकिन सुनने वाले ने अपनी बात कही ना, कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं अलग बात रही, ये कहने वाला तो सदियों से कहता चला रहा है प्रेम बड़ी चीज है, दान बड़ी चीज है, दूसरों के लिए जो परोपकार है वो बड़ी चीज है, अहिंसा बड़ी चीज है, ये सब कहते रहे ना। माना संसार ने कहा माना, इतनी दुनिया में कहती चली जा रही, तब भी आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, इतनी दुनिया कहती चली जा रही, तब भी महायुद्ध हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आदमी का जो मूल प्रवृत्ति है वो तो वैसी बनी रहती है। नहीं, कहने वाला तो कह रहा बिल्कुल है ना, क्योंकि कहेंगे जो ने बिल्कुल कहना है उसी तो कहेंगे, समन्वय की बात, चूर तो कहेंगे अपने साख्य भाव की बात, मीरा तो कहेंगे अपनी भक्ति की बात, बिहारी तो कहेंगे अपने श्रृंगार की बात, भूषण तो कहेंगे अपनी ओज की बात। तो जो मतलब जिस जो उसका मूल व्यक्तित्व है, कवि को अपने व्यक्तित्व के अनुसार जैसा उसका व्यक्तित्व बनाना चाहिए। अगर उसको गुलाब के फूल लेने तो गुलाब के पौधा रोपना चाहिए, ना कि चमेली का, चमेली के फूल प्राप्त करें तो चमेली का पौधा रोपना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी के अंदर ही वही रूप है ना जो हम चाहते हैं, जो हमारा मूल व्यक्तित्व है वही हमारा सामने आएगा। कुंवर बेचैन अगर जो बिल्कुल कविताएं उसके सामने आती हैं और आपको प्रिय लगती हैं, अच्छी लगती हैं, और जब सकारात्मक सोची भावना वाली लगती हैं, तो इसलिए है कि मैं खुद भी सकारात्मक सोच का हूँ, इसलिए सकारात्मक वो कविताएं बनती हैं। मैं कितने कुछ भी सही क्यों ना हो, कितनी खराब परिस्थितियां क्यों ना हो, तब मैं सकारात्मक सोच सोचता हूँ। क्यों सोचता हूँ? क्योंकि मेरे व्यक्तित्व मेरा सकारात्मक सोच का है, कविता जो है सकारात्मक सोच के सामने आ जाती है कहीं ना कहीं से। मैं परिश्रम करने वाला व्यक्ति हूँ, पसीने की बूंदें बहाई जिंदगी भर, तो श्रृंगार के गीत में भी आ गई पसीने की बूंद। आपको वो कैसे आ बिल्कुल गए है ना, कि नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर में तेरी ही रुबाई हूँ, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं पाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई। ये पसीना कहाँ से आ वाह। गया? यानी और फिर भी नदी कह रही है पसीने की कमाई, ये पसीने की कमाई इसलिए है कि मैं जिंदगी में पसीने की कमाई खाई है, मैं बहुत है, जीवन भर बहुत है। पसीने की कमाई पर ही जीवित रहा हूँ, मैं किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं, दूसरे का मैंने कोई हड़प किसी की चीज हड़प करके नहीं, किसी के साथ बेईमानी करके मैं नहीं बना, बल्कि मैं जिंदगी में पसीने की कमाई को महत्व देता हूँ, मेहनत को महत्व देता हूँ, उससे जो कमाया चाहे नमक की रोटी मिली वो अच्छी है। तो पसीने की कमाई कहाँ से आ गई, मैं सोचता रह गया कई बार कि ये मेरे श्रृंगार के ये पसीने की बूंदा कहाँ से आ गई, तो फिर मुझे ध्यान आया कि जरूर जरूर कहीं ना कहीं मेरे अचेतन में जो पसीने की बूंदा बसी हुई है, जो मेरा श्रम बसा हुआ है, मेहनत करने की आकांक्षा बसी हुई है, शायद उसी की वजह से ये तुकांत भी आया पसीने की कमाई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर में तेरी ही रुबाई। तो ये कहना चाहता है कि व्यक्ति का जो मूल व्यक्तित्व होता है वो उसकी कविताओं में कहीं ना कहीं झलकता है, आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे अनेक बार मिलने का सौभाग्य मुझे मिला है, अनेक बार आपको सुनने का, सामने बैठकर के सुनने का सौभाग्य मिला है, और ये भी शायद दूसरी तीसरी बार आपसे बातचीत करने का सौभाग्य इस रूप में मिला है कि आपकी काव्य यात्रा पर, और काव्य यात्रा ही नहीं, दूसरे तमाम आयामों पर भी इतनी खुलकर के आपने बातचीत की है, मुझे खुद भी और हमारे दर्शकों को भी परम आनंद की अनुभूति हुई होगी, मुझे तो हुई है। तो आपने मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए इतना समय निकाला है, बहुत कृपा है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ, और आगे जब भी आपकी अनुमति होगी तो हम एक बार फिर जुड़ेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रह गए हैं जिन पर अभी और लंबी बातचीत हम लोग कर सकते हैं। ओंकार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने अधिक इतने बड़ी मात्रा में हमारे श्रोता वर्ग बिखरा हुआ सारी दुनिया में,
उन तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश की और आपके माध्यम से पहुंच रहा हूं। मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, आपको नहीं मालूम कि मेरे मन में क्या स्थान है आपका। आप जिस प्रकार, आप जैसे पत्रकार हैं, आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, और जिस प्रकार से आप जो चीजों को खोजते हैं, जो आपके प्रश्न होते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को रेखांकित करते हैं, बताते हैं कि आपकी जिज्ञासा कितनी है, आप व्यक्ति में से क्या तलाश करना चाहते हैं। वो तलाश जो आपकी है ना, वो तलाश लोगों के भीतर होती नहीं है। तो वो तलाश जो जी आपके अंदर, वो तलाश वही है जो आप हैं भीतर से। सब वो भी आप तलाश करते हैं कि मैं जो भीतर हूँ वो दूसरे में है कि नहीं है। तो जो मैंने बातें बताई हैं, वो सारी बातें आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा आपके साथ बैठ करके, इस समय बातचीत करके, और बहुत ही बहुत अच्छा लगा। मैं तो समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ, और जो मुझे इतना स्नेह देते हैं और मेरी कविताओं को स्नेह देते हैं, मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सका, क्योंकि मैं कविताओं के माध्यम से विचार व्यक्त कर रहा होता हूँ हमेशा, लेकिन आज कविता के अतिरिक्त भी विचार व्यक्त करने का मुझे मौका दिया आदरणीय ओमकार जी ने। ओमकार जी का तो नाम ही ऐसा है, ओम से शुरू होता है सब डॉक्टर जल्दी। डॉक्टर तो मैं बहुत प्रणाम साहब, करता आप हूँ। स्नेह बनाए रखिए, आपका ये स्नेह मेरा संबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, शुक्रिया।